बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। बानिए पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां योम पैदाइश, मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के चाको चौबान दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मेहमान खसूसी मेजर जनरल इफ्तखार हसन चौधरी ने फातेहानी की। सदर ममलिकत आरिफ अलवी, गवर्नर, वजीर आला की मज़ार कायद पर हाजिरी। मुल्क भर में आज आम तातील, शहर शहर तकरीबात में बबाए कौम को खराज तहसीन पेश किया गया। सियासी, समाजी, मजहबी तंजीमों की जानब से केक काटने का एहतमाम किया गया। ज़ियारत रेजिडेंसी पर परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अजीम मकसद के लिए तमाम मुश्किलात का बहादुरी से मुकाबला करने का अज़्म दिया। कायद की तालीमात आज भी हम सब के लिए मशले राह हैं। आइए आज के दिन कौमी इतिहाद और खुशहाल और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान का अहद करें। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का पैगाम। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश पर पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान को मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान बनाकर दम लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, अलीम खान और दीगर सियासी क्यादत की भी कौम को मुबारकबाद। पाक फजाई का बानिए पाकिस्तान को खिराज अकीदत, मुख्तसर वीडियो भी जारी कर दी। श्रीलंकन मुसनफ की कायद आज़म पर लिखी किताब की तकरीब रूनमाई। तकरीब के दौरान ही 6,000 कापियों की फरोख। कायद आज़म की मकबूलियत का मुंह बोलता सबूत। पाकिस्तान डिप्टी हाई कमिश्नर वाजिद हुसैन की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। किताब में कायद आज़म की बरसगीर के मुसलमानों के लिए खिदमात को सराहा गया। पंजाब और KPK के मुख्तलिफ शहर शदीद धुंध की लपेट में। पंजाब के मैदानी इलाकों में अंधाधुंध, हद निगाह इंतहाई कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद रखा गया। मुल्क में सख्त सर्दी के डेरे। कालम में पारा -4। NDMA की बलाई इलाकों की इंतजामियों को अलर्ट रहने की हदायत। रावलपिंडी में एक्सप्रेसवे पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। कार और मोटरसाइकिल में तसादुम, 4 अफराद जां बहक, 5 जख्मी हो गए। रावलपिंडी के इलाके दुमियाल में गैस पाइपलाइन में धमाका, आग भड़क उठी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग ने 2 से 3 घरों को लपेट में ले लिया। रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ। और आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल शुरू। उम्मीदवार स्क्रूटनी के लिए आरओज के ऑफिस पहुंचने लगे। स्क्रूटनी का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। कौमी और सूबाई असम्बलियों की सीटों के लिए हजारों उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। 3 जनवरी तक एतराजात दायर होंगे। अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों के लिए पोलिंग 8 फरवरी को होगी। हेडलाइंस आपने जानी A1 TV के न्यूज स्टूडियो से। फिलवक्त इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।